करती थी कि हमारे बच्चे यहाँ तस्वीर करवा है। आप सब जुट जाए एक बार, अगर सिर्फ सुनने के मूड में है तो चार बजे पढ़ता हूँ कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा। हाँ सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, न किससे लैला मजनू के न राजा हीर लिखूंगा। सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, न किससे लैला मजनू के न राजा हीर लिखूंगा। और किसी खुजदिल को मैं हरगिज बहादुर लिख नहीं सकता, वतन पर जो हुए कुर्बान उन्हें मैं वीर लिखूंगा। पढ़ता हूँ तो मैं किसी के हवाले से अर्ज करता हूँ कि कहीं बिस्मिल और अमन की पहचान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरी कब्र की मिट्टी पर हिंदुस्तान लिख देना। बड़ी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। चार से और पढ़ता हूँ की कुछ दिनों के पहले पुलवामा का एक हादसा हुआ, मैंने उस वक्त चार बिखरे कहे जी। आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। अरे वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर की सरहद पार जाएगा। वाह वाह, जय 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 हो तिरंगा गाड़ में अक्सर भी सरहद के पार जाएगा। जय हो जय हो, जोरदार तालियां जोरदार। बहुत शुक्रिया तिरंगा गाड़ में अकबल भाई को हुक्म हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अख्तर इलाहाबादी की एनर्जी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अतिकता होगी नहीं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, नहीं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। नहीं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी, तिरंगा गाड़ में अख्तर सरहद के पार जाएगा। शिशिर मंदू साहब की दुआएं मिले मेरे लिए सनद से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार मिसरा पढ़ता हूँ, तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो। देखेगा शेर, तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरजू दिल की अता करना मेरे मौला, मरू मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई अख्तर इलाहाबादी साहब। अख्तर साहब वास्तव में बड़ी बेबाकी के साथ अपनी जी से वास्तव में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी उसारे पढ़ता हूँ, लेकिन चंद लोगों की उपस्थिति, इतने प्यारे लोग हैं आप, कोई लाख लोग किसी मुशायरे का कामयाब या किसी कार्यक्रम को कामयाब नहीं करते, आप जैसे चंद लोग काफी है। एक बार अपने लिए आप लोग तालियां जोरदार तालियां जोरदार पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, ये चार मिसरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर अपनी डीपी पर लगाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ जी, अकमल भाई देखेगा आप, नाम मुझे नहीं मालूम, मोहतरम आप भी देखेगा कि किसी के दिल में, जिला उपाध्यक्ष जी, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, रखता है जी। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में सारी कौम के लोग सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमें आपस में प्राण बांटना चाहते हैं और हमारी गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हैं। चार विषय पढ़ता हूँ, स्वागत अर्ज करता हूँ कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है,
किसी के दिल में जीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में जीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया चार मिसरा पढ़ता हूँ कि यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह की पुकी मुझे तलवार दे देना, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। चार मिसरे पढ़ता हूँ, दो तीन का नाम पढ़ूंगा मैं, मुझे लगता है मुझे अभी सीधे सोना को सुनना है। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूँ। सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूँ, और मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ, नहीं करता, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मोहब्बत है। चार मिसरा पढ़ता हूँ कि तिरंगे के हवाले से, चार मिसरे कि आन बान है और हमारी शान तिरंगा है, हर तरफ तिरंगा लगा हुआ है, आन बान है और हमारी शान तिरंगा है, हम सब भारतवासी की पहचान तिरंगा है, आन बान है और हमारी शान तिरंगा है, हम सब भारतवासी की पहचान तिरंगा है, जीवन भी कर देंगे हम कुर्बान तिरंगे पर, हम सबके दिल की धड़कन है जान तिरंगा है, सबके दिल की धड़कन है जान तिरंगा है। तो कथा आज ही मैंने कहे है जी, ये मिले मेरे दिल का एक दर्द था, मैं चाहता था कि आज आप लोग दरमियान पढ़ो, स्वागत। और ये चार मिसरे और देखिएगा कमल भाई, आप बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जैसे लोग इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में जिंदा है, जब ही ऐसी महफिलें सजाई जा रही है, एक बार की बुराई करता है या हिंदुस्तान के बारे में गलत सुनता है, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, स्वागत। देखिएगा कि अगर है जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा, पुलवामा का हादसा जहन में रखते हुए, 26/11 का हादसा जहन में रखते हुए, अब तक इलाहाबाद के चार उसे अगर दिल को छू जाए तो आप सब विद्रोह करवाइएगा। अगर है जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, जो दिल का सामना करते हैं उनको मर्द कहते हैं। अगर है जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, जो दिल का सामना करते हैं उनको मर्द कहते हैं। अगर पाकिस्तान सुन ले हम तुझे नामर्द कहते हैं, भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देगी। भले ये चाल चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। तेरी खुशगुवानी है कि हमसे छीन लेगा तू, फिर अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर न देंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, क्या बात है।